तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पी एफ एक्स इक्वल एक्स का क्यूब दिया हुआ है, इसका भी तीन बार मान निकालना है, एक बार जीरो रखना है, एक बार वन और एक बार टू। तो रखते हैं, लिखेंगे पी एफ जीरो के लिए तो जीरो रख देना है, जो चर दिया हुआ है एक्स उसके जगह पर, तो रखेंगे तो पी एफ जीरो इक्वल एक्स का क्यूब है तो जीरो का क्यूब हो जाएगा। अब जीरो का क्यूब मतलब जीरो ही होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। पी एफ वन के लिए देखते हैं, लिखेंगे पी एफ वन के लिए तो एक बार वन रखना है, इसमें बहुपद है पी एफ एक्स इक्वल एक्स का क्यूब, वन रख देना है तो पी एफ वन इक्वल हो जाएगा वन का क्यूब, वन का क्यूब मतलब वन ही होगा, ये आंसर हो जाएगा। फिर से निकालना है पी एफ टू, तो लिखेंगे एक बार बहुपद है, लिख लेंगे पी एफ टू के लिए तो पी एफ टू, एक बार बहुपद को लिखते हैं पी एफ एक्स इक्वल एक्स का क्यूब है तो टू रखना है, तो पी एफ टू इक्वल टू का क्यूब, टू का क्यूब मतलब हो जाएगा दो का, तीन बार गुणा करेंगे, दो गुणे दो गुणे दो तो हो जाएगा आठ, ये आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें चार नंबर का क्वेश्चन है, पी एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन, ये हल करना है। तो इसको देखते हैं, इसको भी बारी बारी से एक बार जीरो एक बार वन एक बार टू के लिए हल करना होगा। तो देखते हैं पी एफ जीरो के लिए तो जहां जहां चर एक्स है वहां वहां जीरो रख देना है, तो हो जाएगा पी एफ जीरो इक्वल एक्स के जगह पर रखना है जीरो माइनस वन और यहाँ भी x के जगह पर 0 प्लस 1, सॉल्व कर लेते हैं। 0 में से हम एक घटाएंगे, 0 का मतलब कुछ नहीं, ये माइनस 1 ही रहेगा। यहाँ भी 0 का मतलब कुछ नहीं, 0 को एक में जोड़ेंगे तो एक ही रहेगा। दोनों ये ब्रैकेट में बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो गुणा होता है माइनस एक का प्लस एक में, गुणा जब करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, एक का गुणा एक में एक ही होगा। तो ये आंसर हो गया। पी एफ वन के लिए देखते हैं, लिखेंगे पी एफ वन के लिए तो जब पी एफ वन के लिए निकालेंगे तो बहुपद को एक बार लिख लेंगे, ऐसे लिख ले रहे हैं पी एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन। अब एक्स के जगह पर हमको वन रख देना है तो पी एफ वन इक्वल एक्स के जगह पर वन, तो वन माइनस वन हो जाएगा, यहाँ भी वन, वन प्लस वन हो जाएगा, सॉल्व कर लेते हैं। तो एक में से जब एक घटाएंगे तो जीरो और यहाँ एक और एक जोड़ेंगे तो दो, दो का जीरो में जब गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, ये आंसर हुआ। पी एफ जीरो के लिए हो गया, पी एफ वन के लिए हो गया, अब पी एफ टू के लिए देखते हैं। यहां लिखेंगे पी एफ टू के लिए, एक बार बहुपद को लिख लेते हैं पी एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, तो x के जगह पर इस बार दो रख देना है तो दो माइनस एक और यहाँ भी दो रखना है तो दो प्लस एक,
दो में से एक घटाएंगे तो एक होगा, और यहाँ गुणा का चिन्ह है, दो प्लस एक तीन होगा, एक और तीन का जब गुणा करेंगे तो तीन होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरे में चार क्वेश्चन दिया हुआ था, चार हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में से संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये जो बहुपद दिया हुआ उसका मान यहाँ दिया हुआ है x इक्वल माइनस वन बाई थ्री। तो कह रहा है कि ये बताना क्या है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाया गया मान, ये जो मान है निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, बताना है कि ये बहुपद इसका शून्यक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो चर दिया हुआ है एक्स, एक्स का मान माइनस वन बाई थ्री दिया हुआ है, इस मान को इस बहुपद में रखेंगे और हल करेंगे। अगर हल करने पर हमारा आंसर जीरो आएगा तो हम लिखेंगे कि शून्यक है, अगर हल करने पर जीरो नहीं आएगा तो लिखेंगे शून्यक नहीं है। तो यही करना है, तो देखते हैं। x इक्वल माइनस वन बाई थ्री इसमें रखना है तो लिखेंगे बहुपद में x इक्वल माइनस वन बाई थ्री रखने पर, x इक्वल माइनस वन बाई थ्री इसी बहुपद में रख देना है। तो जब बहुपद में मान हम रखेंगे x इक्वल माइनस वन बाई थ्री तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x की जगह पर हमको रखना है माइनस वन बाई थ्री इक्वल यहाँ थ्री इंटू x के जगह पर हमको रखना है क्या, माइनस वन बाई थ्री और प्लस वन है। अब यही हमको हल करके देखना है, अगर मान जीरो आएगा तो लिखेंगे शून्यक है, अगर जीरो नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो देखते हैं हल करके। तो हम जानते हैं ऐसे गुणा में है, थ्री से थ्री को कैंसिल कर देंगे, यहाँ बच गया माइनस वन और यहाँ बचा है प्लस वन, तो एक में से एक को घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो देखिए हल करने पर माइनस वन बाई थ्री इस बहुपद में रखने पर जीरो आ गया, तो लिखेंगे क्या कि माइनस वन बाई थ्री बहुपद का शून्यक है। तो लिखेंगे माइनस वन बाई थ्री बहुपद का शून्यक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो लिखेंगे शून्यक नहीं है। तो यही करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल फाइव एक्स माइनस पाई। ये पाई होता है एक्स इक्वल फोर बाई फाइव, एक्स का मान रखना है क्या फोर बाई फाइव। तो देखते हैं इसको हल करके। तो ये बहुपद दिया हुआ उसमें एक्स के जगह पर हमको क्या रख देना है फोर बाई फाइव। ध्यान देंगे ये एक्स है, ये पाई है, पाई को हमने क्लास एट में बताया हुआ था, ये पाई और x दोनों में अंतर होता है। तो इसको आप लोग, तो x के जगह पर हमको 4 बाई फाइव रख देना है। लिखेंगे बहुपद में x इक्वल 4 बाई फाइव रखने पर, तो जो ये बहुपद है यहाँ x के जगह पर हमको 4 बाई फाइव रख देना है। तो रखेंगे p ऑफ x के जगह पर 4 बाई फाइव इक्वल फाइव है यहाँ इंटू x के जगह पर 4 बाई फाइव माइनस पाई। अगर हल करने पर जीरो आएगा तो लिखेंगे शून्यक है, जीरो नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो देखते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 4 माइनस पाई, यहाँ 4 बचा और यहाँ माइनस पाई बचा। तो ये जीरो तो आया नहीं, जीरो नहीं आया तो क्या लिखेंगे 4 अपान 5 बहुपद का
शून्य अंक नहीं है, बहुपद का शून्य अंक नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ये 4 माइनस 5 पाई जीरो नहीं आया तो इसलिए शून्य अंक नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो थर्ड क्वेश्चन है, बहुपद पी एफ एक्स इक्वल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसमें दो दिया है एक्स इक्वल प्लस वन भी एक्स इक्वल माइनस वन भी, मतलब दो बार इसमें रखना है, दो एक बार प्लस वन को चेक करना है इसका शून्य है कि नहीं, और एक बार माइनस वन को भी चेक करना है इसका शून्य है कि नहीं। तो दोनों को बारी बारी से रख के देखेंगे, एक बार प्लस वन रखेंगे तो लिखेंगे बहुपद में, हल करते हैं इसको तो लिखेंगे बहुपद में एक्स इक्वल वन रखने पर, एक्स इक्वल ये प्लस वन इसमें रखेंगे तो हो जाएगा पी एफ वन इक्वल एक्स के जगह पर वन, तो वन का स्क्वायर माइनस वन है तो माइनस वन, अब वन का स्क्वायर वन ही होता है और ये माइनस वन, एक में से एक घटाएंगे तो जीरो बच गया। अब हम लोग जानते हैं जब जीरो आ गया तो ये शून्य है, तो लिखेंगे जो एक है ये क्या है, बहुपद का शून्य है, तो लिखेंगे एक बहुपद का शून्य है, ये आंसर होगा। अभी हमको ये भी चेक करना है माइनस वन, तो माइनस वन को इसी बहुपद में रख लेंगे, तो एक बार बहुपद को लिख लेते हैं, यहाँ पी एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस वन, हम लिख लेंगे क्या माइनस वन रखना है, तो लिखेंगे बहुपद में एक्स इक्वल माइनस वन रखने पर, ये जो बहुपद है इसमें एक बार एक रखे हैं तो जीरो आया, तो लिखेंगे शून्य का, एक बार माइनस वन रखेंगे इसी बहुपद में, तो यहाँ पी एफ माइनस वन इक्वल एक्स के जगह पर हमको माइनस वन रखना है, तो माइनस वन का स्क्वायर होगा फिर माइनस वन है, तो हम जानते हैं किसी भी माइनस वाले संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, तो प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस वन, एक में से एक घटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो, तो माइनस वन रखने पर भी जीरो आ गया, तो ये भी शून्य है, लिखेंगे माइनस वन बहुपद का शून्य है, ये आंसर हो जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फोर्थ नंबर देखते हैं, दिया पी एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, इसमें भी एक्स के जहाँ पर माइनस वन और दो, बारी बारी से दोनों को हल कर रख के मान को देखना है कि जीरो आ रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। पहले एक्स इक्वल माइनस वन रखते हैं, लिखेंगे एक्स इक्वल माइनस वन रखने पर, तो जब माइनस वन रखेंगे तो पी एफ माइनस वन इक्वल एक्स के जगह पर रखना है हमको माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन, यहाँ भी एक्स के जगह पर माइनस वन और ये माइनस टू पहले से सॉल्व कर लेते हैं इसको, वन में से वन घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस टू और माइनस वन दोनों माइनस में है तो माइनस लगा के जोड़ लेंगे, अब जीरो में हम किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो जीरो हो जाता है, तो जब जीरो आ गया मान एक्स इक्वल माइनस वन रखने पर तो शून्य है, लिखेंगे माइनस वन बहुपद का शून्य है, ये आंसर हो गया। तो एक बार माइनस वन के लिए हमने देखा है, एक बार प्लस टू रखेंगे इसी बहुपद में
तो बहुपद को एक बार लिखते हैं, पी एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू दिया है, हमको एक बार प्लस टू रखना है तो लिखेंगे एक्स इक्वल प्लस टू रखने पर। तो जब टू हम रखेंगे इसमें तो देखते हैं, तो पी एफ टू इक्वल एक्स के जगह पर हमको रख देना है क्या टू, तो टू प्लस वन हो जाएगा, यहाँ एक्स के जगह पर टू रखना है तो टू माइनस टू हो जाएगा, टू और वन जोड़ेंगे तो थ्री, यहाँ टू में टू घटाएंगे तो जीरो, जीरो का किसी भी संख्या में गुणा जीरो हो जाता है, तो जब जीरो आ गया तो ये भी शून्य का, तो लिखेंगे दो बहुपद का शून्य है, ये आंसर हुआ। अगर जीरो नहीं आएगा तो शून्य नहीं है लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइव नंबर क्वेश्चन है, पी एफ एक्स इक्वल एक्स का स्क्वायर, यहां दिया है एक्स इक्वल जीरो, हल करते हैं इसको। तो यहां देखिए एक्स इक्वल जीरो रख के हल कर देना है इसमें, तो लिखेंगे एक्स इक्वल जीरो रखने पर, तो ये बहुपद में जीरो रखेंगे एक्स के जगह पर, तो पी एफ जीरो इक्वल एक्स के जगह पर जीरो, तो जीरो का स्क्वायर कर देंगे, अब जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, तो जीरो रखने पर जीरो आ गया, तो लिखेंगे जीरो बहुपद का शून्य का। ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स नंबर दिया है, पी एफ एक्स इक्वल एल एक्स प्लस एम, यहाँ दिया है एक्स इक्वल माइनस एम बाई एल रखना है, देखते हैं। ये बहुपद दिया है पी एफ एक्स इक्वल एल एक्स प्लस एम, तो इसमें पूरा चर नहीं है, ये ध्यान देते हैं, ये बहुपद एक्स यहाँ दिया हुआ है तो एक्स ही चर है, एल और एम दोनों अचर हैं, तो हमको एक्स के जगह पर माइनस एम बाई एल रखना है और देखना है कि जीरो हो रहा है कि नहीं, जीरो होगा तो शून्य है, जीरो नहीं होगा तो शून्य नहीं है, तो देखते हैं। लिखेंगे एक्स इक्वल माइनस एम बाई एल रखने पर, तो रखते हैं, तो पी एफ एक्स के जगह पर हमको रख देना है क्या माइनस एम बाई एल इक्वल हो जाएगा, एल है इंटू एक्स के जगह पर हमको रख देना है क्या माइनस एम बाई एल और प्लस यहाँ एम है तो एम रखेंगे, केवल एक्स के जगह पर माइनस एम बाई एल रख देना है। हल करते हैं इसको, एल से एल कैंसिल, यहाँ बचा माइनस एम और यहाँ प्लस एम, हम जानते हैं एक ही संख्या प्लस में और माइनस में है तो काट देते हैं दोनों को, आ गया यहाँ क्या जीरो, तो ये भी रखने पर मान जीरो आया इसका, तो शून्य का, लिखेंगे माइनस एम बाई एल बहुपद का शून्य है, ये आंसर हो गया, ये भी शून्य का। तो ये तीसरे का सेवंथ और एट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं। यहाँ भी बहुपद दिया है पी एफ एक्स इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और दो बार मान रखना है, एक बार एक्स इक्वल माइनस वन बाई रूट थ्री, एक बार टू बाई रूट थ्री, तो इसको बारी बारी से रख के हल करना है, देखना है अगर जीरो आएगा तो शून्य होगा, जीरो नहीं आएगा शून्य नहीं होगा, तो रखते हैं। लिखेंगे एक्स इक्वल माइनस वन बाई रूट थ्री,
रखने पर तो रखेंगे जब x के इक्वल माइनस वन बाई रूट थ्री जहाँ जहाँ x है तो रखेंगे तो p ऑफ माइनस वन बाई रूट थ्री इक्वल यहाँ है थ्री इंटू एक्स के जगह पर हमको रखना क्या है माइनस वन बाई रूट थ्री तो स्क्वायर दिया तो इसका स्क्वायर कर देंगे और माइनस वन सॉल्व करते हैं इसको तो थ्री इंटू हम लोग जानते हैं माइनस वाले संख्या का स्क्वायर प्लस हो जाता है तो एक का स्क्वायर प्लस एक बटे और रूट थ्री का स्क्वायर जब भी रूट वाले संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है स्क्वायर से और ये संख्या बच जाता है तो रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे तो केवल थ्री हो जाएगा रूट हट जाता है और यहाँ माइनस वन है। अब देखिए थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा गुणा में है तो एक और माइनस एक, एक माइनस एक बचा एक में से एक घटाएंगे जीरो हो गया तो माइनस वन बाई रूट थ्री इसका शून्य है लिखेंगे माइनस वन बाई रूट थ्री बहुपद का शून्य का ये आंसर हुआ। अब एक बार टू बाई रूट थ्री रखते हैं इसी बहुपद में तो एक बार बहुपद को लिखते हैं पी एफ एक्स इक्वल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन इसमें रखना है क्या टू बाई रूट थ्री तो रखेंगे लिखेंगे x इक्वल टू बाई रूट थ्री रखने पर तो रखते हैं तो p ऑफ टू बाई रूट थ्री एक्स के जगह पर रखना है तो टू बाई रूट थ्री होगा इक्वल थ्री इंटू एक्स के जगह पर रखना है टू बाई रूट थ्री तो इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस वन। अब लिखेंगे तीन गुणे दो का स्क्वायर चार बटे रूट थ्री का स्क्वायर रूट हट जाएगा थ्री लिखेंगे माइनस एक तीन से तीन को कैंसिल कर देंगे चार में से एक घटाएंगे तो तीन होगा। अब देखिए यहाँ तीन आया जीरो नहीं आया तो क्या लिखेंगे शून्यक नहीं है ये टू बाई रूट थ्री शून्यक नहीं है तो लिखेंगे इसलिए टू बाई रूट थ्री बहुपद का शून्यक नहीं है। इस बहुपद में भी x के जगह पर एक बटे दो रख देंगे तो रखते हैं p ऑफ एक बटे दो बराबर दो गुणे x के जगह पर एक बटे दो और प्लस एक दो से दो कैंसिल वन प्लस वन बचा वन में वन को जोड़ देंगे तो टू हो गया ये भी जीरो नहीं आया तो शून्यक नहीं है लिखेंगे वन बाई टू शून्यक नहीं है।